सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज आपका स्वागत है। आज के हम इस इकोनॉमिक्स की इस सीरीज में डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। हम पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे और हम देखेंगे कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक टाइप है इकोनॉमिक्स का उसके बारे में बात करेंगे, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अगला जो टाइप है इकोनॉमिक्स का उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में देखें कि इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम एज ए सब्जेक्ट मैटर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमें पता हमारी नीड्स होती हैं जो वो हमारे रिसोर्सेज से हमेशा ज़्यादा होती हैं। जैसे नीड्स ऑलवेज आउटपेस अवर मीन्स, जो हमारी नीड्स होती हैं वो हमारे रिसोर्सेज से हमेशा ज़्यादा होती हैं, और हमारे सोर्सेज जो होते हैं वो स्कार्स होते हैं। स्कार्स मीन तो उनकी कमी रहती है, वो अपर्याप्त मात्रा में होते हैं, ठीक है। और जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स ही नहीं होते हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। जैसे देखो हमारे पास लैंड है, एज ए रिसोर्स हमारे पास लैंड है, उस पर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, या फिर हम उस लैंड पे हम कोई क्रॉप वगैरह फसल वगैरह बीज से उससे प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो रिसोर्सेज की कमी तो हमेशा ही होती है, बट उन रिसोर्सेज का जो यूजेस होते हैं वो भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उन रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब देखो रिसोर्सेज की कमी रहती है, रिसोर्सेज की जैसे कमी रहती है तो इसमें क्या होता है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं रिसोर्सेज के, हमें पता। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखो अगर हमारे पास लैंड है तो हम उसका कल्टीवेशन में यूज़ करें, या उस पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, या उसको रेंट पे दे दें। तो इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डील करने के लिए इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे, उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लेनी है, इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम चॉइस की बात करेंगे। जो प्रॉब्लम चॉइस होती है जो कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, बट हमारी नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है तो लिमिटेड रिसोर्सेज से, जब लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके जब एक इंडिविजुअल मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब एक सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अचीव करने की कोशिश करती है, तो इस सारी प्रक्रिया की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स स्टडी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो अराइज करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, क्योंकि हमारी जो नीड्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। तो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने की प्रक्रिया को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक्स होती है इसका फोकस होता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास कम मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं उनको रैशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है ताकि हम मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर प्राप्त कर सकें। तो इसी को हमने दो इकोनॉमिक्स की जो दो डेफिनेशन दी इसमें। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बेसिक स्मॉल यूनिट को कंसीडर करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, जब हम बेसिक स्मॉल यूनिट्स की इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कैसे कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करनी है, इसी तरह एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होती हैं उनकी बेसिक उनकी प्रॉब्लम चॉइस को पढ़ने के लिए, उनका एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज को पढ़ने के लिए जिस हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? हमने कह दिया कि इंडिविजुअल यूनिट्स की जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहले तो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पता लगता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट यूजर्स के लिए कैसे लगाता है, एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि जो मेरे पास एक लिमिटेड इनकम है उसको कैसे किस तरह से यूज करना है ताकि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी संतुष्टि को बढ़ा सकूं। तो ये सब स्टडी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में होती है। जिससे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ही आ जाता है। फिर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर अपने जो प्रोड्यूसर के पास जो इनपुट्स होते हैं उसको, जो लिमिटेड इनपुट्स प्रोड्यूसर के पास होते हैं वो लिमिटेड प्रोड्यूसर से, वो लिमिटेड इनपुट से वो डिसाइड करने की कोशिश करता है कि कैसे वे ज़्यादा से ज़्यादा किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर सकता है और कितना प्रोडक्शन कर सकता है। जब एक प्रोड्यूसर इस तरह से बिहेव करता है कि लिमिटेड इनपुट से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसने वस्तुओं की प्रोडक्शन करनी है और कैसे अपने प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना है, तो ये थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में आता है। जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, वो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में ही होता है। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर सोचता है कि कैसे मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करूं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके, और कंज्यूमर क्या सोचता है कि कैसे मैं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करूं अपनी लिमिटेड इनकम को यूज़ करके। और अब एक थ्योरी ऑफ प्राइस भी एक इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस कमोडिटी मार्केट में निर्धारित किए जाते हैं। ये स्टडी करता है कि कमोडिटी मार्केट में गुड्स के प्राइसेस कैसे निर्धारित किए जाते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइसेस है वो फैक्टर मार्केट में कैसे निर्धारित किया जाता है, ये थ्योरी ऑफ प्राइस द्वारा स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें। मैंने आपको बताया कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल फर्म की स्टडी करते हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। पर एज ए होल जब हम एज एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे हम पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, एक पूरे देश के इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी करते हैं, तो इसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो बेसिक प्रॉब्लम वही होएगी कि रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज कैसे करना है। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी, उसी तरह जो इसकी बेसिक प्रॉब्लम इसमें रहेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज की, कि कम से जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका रैशनल यूज कैसे करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। बट यहां पे हम एक बात देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा फोकस था वो इंडिविजुअल के प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के बारे में था। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की जाती है तब लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, ये सब स्टडी किया जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी स्टडीज होती हैं, जैसे ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया का क्या है, हम देते हैं कि हम रोजगार का सत्र हमारे देश में क्या है, ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट में ग्रोथ कितनी हो रही है, नेशनल आउटपुट में वृद्धि कितनी हो रही है, जनरल प्राइस लेवल और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को पढ़ा जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हम अगर रोजगार की बात करें, नेशनल आउटपुट में ग्रोथ की बात करें, जनरल प्राइस लेवल की बात करें, तो ये सभी कंपोनेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दो वेरिएबल से शुरू होती है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, एक तो एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बात का एनालिसिस करती है कि कैसे एक संतुलन लेके आना है आउटपुट में, आउटपुट का संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में कहीं एग्रीगेट सप्लाई
और एग्रीगेट डिमांड कहीं अनबैलेंस्ड हो जाती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप आने की प्रॉब्लम रहती है। और इसी ये सब स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सपोज करो डिमांड ज़्यादा हो रही है बट एग्रीगेट सप्लाई कम है तो वहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो वहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। और इन्हीं इसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज़ किया जाता है। फिक्स जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो फिस्कल पॉलिसी के तहत टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोगों के पास जो मनी सप्लाई होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ऑन द अदर हैंड जब डिफ्लेशन ज़्यादा है तो टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे। अब हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की बात। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कैश रिजर्व रेशो वगैरह जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं RBI के उनको इंक्रीज कर दिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब डिफ्लेशन ज़्यादा है तो कैश रिजर्व रेशो वगैरह है, कैश रिजर्व जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं डिफ्लेशन के मामले में उनको वो बढ़ा दिए जाते हैं, कैश रिजर्व रेशो वगैरह का बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड होगी वो इक्वल होगी, वो बैलेंस में होगी। तो इससे क्या होगा कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। और फिर और है थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप भी इसी में, जैसे हमने पहले स्टडी किया कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट से जब फुल एम्प्लॉयमेंट डिपार्च कर जाता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट में बैलेंस बिगड़ जाता है तो इन दैट केस इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप आ जाते हैं। वो हमने देखा कि इन्फ्लेशनरी गैप को पहले पीछे कि इन्फ्लेशनरी गैप को फिस्कल पॉलिसी से और डिफ्लेशनरी गैप को मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी से कैसे डील करते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर भी इसी में आती है। ये बताता है कि इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी में करने से इनकम कैसे जनरेट होती है, ये हमें थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर से पता लगता है। और क्या है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे यूज करते हैं, हमने पहले बताया आपको अगर इन्फ्लेशन होगी तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो टैक्सेस वगैरह अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो टैक्सेस वगैरह बढ़ा दी जाती हैं, अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो टैक्सेस वगैरह कम कर दी जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का हमने देखा अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो रेपो रेट वगैरह जो मॉनेटरी टूल होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, अगर इन्फ्लेशन रेट कम होती है तो वो टूल्स वगैरह जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं उनको कम कर दिया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। फिर मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। जो स्टडी करता है मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स के बारे में कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई में क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कैसे कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं और शाख का प्रबंध करते हैं। और गवर्नमेंट बजट फोकस करता है जो बजटरी डेफिसिट आ जाता है, कई बार गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, इतनी गवर्नमेंट की रिसिप्ट नहीं होती हैं तो जो गवर्नमेंट बजट होता है ये उसकी मेजरमेंट और उसके बजटरी डेफिसिट के इम्पैक्ट के बारे में बात करता है, उस पर फोकस करता है। फिर एक्सचेंज रेट एंड BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हम एक्सचेंज रेट होती है हमारी करेंसी की दूसरे देश की करेंसी के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, ये एक्सचेंज रेट से पढ़ा जाता है। और BOP जो हमारी टोटल ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ होती है, जो हमने लेन देन किया होता है, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। और इससे एक्सचेंज रेट और BOP से क्या एनालाइज किया जाता है कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारित होती है, और BOP इम्पैक्ट स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का डोमेस्टिक मार्केट में। अब माइक्रो और मैक्रो स्टडीज में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की और इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है।
और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो इकोनॉमी एज ए होल, सारी इकोनॉमी की, पूरे देश की इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो तब क्या होता है, तब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड होती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के आउटपुट और प्राइस डिटरमिनेशन से कंसर्न्ड होती है। और ऑन द अदर हैंड जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो जो टोटल एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा होता है उससे कंसर्न्ड होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए जो हमारे मैक्रो वेरिएबल, जो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं जो हमारे मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ये अज्यूम किया जाता है कि जो एग्रीगेट आउटपुट है इकोनॉमी में वो कांस्टेंट है जब हम आउटपुट और प्राइस इंडिविजुअल फर्म का जब हम निर्धारित कर रहे होते हैं। इट मीन्स जब हम इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट और प्राइस निर्धारित कर रहे होते हैं तो तब ये इस बात को कांस्टेंट माना जाता है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट आउटपुट कांस्टेंट है। ठीक है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ये अज्यूम किया जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट है जब हम पूरे लेवल ऑफ आउटपुट का इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये हमने माइक्रो और मैक्रो के कुछ डिफरेंसेस किए और हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये हमने अपने इस सीरीज में इकोनॉमिक्स में पढ़ा। थैंक्स। अगर आपके पास कोई और भी इकोनॉमिक्स या करंट इश्यूज आपके पास कोई हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम जरूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे।